रंजीव, ये सच है कि हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। फारसी में लिखा गया है औरंगजेब का वो आदेश जिसमें वो मंदिर ढहाकर 17वीं शताब्दी में मस्जिद बनाने का आदेश देता है। और जीता जागता सबूत जो है आप उसका DNA करके देख सकते हैं। और जो हमारी सच्चाई, जो हमारी मंदिर था, मंदिर की सच्चाई सामने अब उभर के खुल करके सामने आ गई। SI जांच हो तो ज्ञानवापी परिसर की SI जांच हो तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर सच है तो फिर डरते क्यों हैं? प्रायर टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। उन्होंने 9 अप्रैल 1669 को ये फरमान जारी किया कि उनके इलाके में जितने भी मंदिर हैं वो सब तोड़ दिए जाए। ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसी को काशी विश्वनाथ या काशी धाम भी कहते हैं। तो जितने भी उनके सूबेदार और जागीरदार और जितने भी उनके अंडर में थे, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए जितने सारे तोड़ सकते थे उतने तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ मुख्तलिफ हालात की वजह से कई लोगों को बातों जबरदस्ती मुसलमान कर गए, जोर से कर गए, लालच दे के कर दिया। सितंबर में तोड़ा गया इसको, सितंबर में, बल्कि अगस्त सितंबर में तोड़ा गया काशी के मंदिर को 1669 में। आप जाते, औरंगजेब ने काफी मंदिर तोड़े थे पूरे इंडिया में और जजिया लगाया था, क्या कहने गया? अगर अकॉर्डिंग टू गूगल, ये मुस्तनद बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू द गूगल अगर आप करें तो 60,000 के करीब मंदिर जो थे इन फॉरेन इन्वेडर्स ने आके यहाँ पे तोड़ के मस्जिदें बनाई, जो कुछ भी किया। औरंगजेब एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बाप और भाई को भी नहीं छोड़ा। को हजारों कब्रों को जो खंड करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा? ये सच है कि वो ये हरकत किया है। उन्होंने 9 अप्रैल 1669 को ये फरमान जारी किया कि उनके इलाके में जितने भी मंदिर हैं वो सब तोड़ दिए जाएं। तो जितने भी उनके सूबेदार और जागीरदार और जितने भी उनके अंडर में थे, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए जितने सारे तोड़ सकते थे उतने तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। सितंबर में तोड़ा गया इसको, सितंबर में, बल्कि अगस्त सितंबर में तोड़ा गया काशी के मंदिर को 1669 में। जो मासिर आलमगिरी जो किताब है, जो साकी मुस्ताद खान की लिखी हुई है, जो उन्हीं के वक्त का जो इतिहासकार था, हिस्टोरियन, तो उसने ये कहा कि 2 सितंबर को दरबार में ये खबर आई कि जो काशी का जो मंदिर था, जो कुफ्र का एक बड़ा एक स्थान था, उसको तोड़ दिया गया है। तो औरंगजेब वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन द 2 सितंबर, सो वी कैन टेक इट कि भाई अगस्त में किसी टाइम पे इसको तोड़ दिया गया। ये सब रिकॉर्डेड है, ये मासिर आलमगिरी में, आप कोट कर रहा हूँ, मासिर आलमगिरी, साकी मुस्ताद खान। फिर उसी साल के रमज़ान में, जो कि जनवरी 1670 में, फिर उन्होंने मथुरा का टेंपल तोड़ा, जिसको डेरा केशव देव कहते थे, केशव देव मंदिर था। और इसी तरह से फिर तो वो पूरे के वो हमारे बीकानेर के आर्काइव्स में, जयपुर में, जयपुर के जो आर्काइव्स हैं, राजपूताना के तरह तरह के जो आर्काइव्स हैं, उसमें सब में ये ढेरों फरमान वगैरह रखे हुए हैं। ने अपनी इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया, तो कलाकृति वगैरह का जो जिक्र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि बेसिक बात मौलाना ने एडमिट कर ली है कि ये जगह मूलतः मंदिर थी, कन्वर्ट होने के बाद तुम आज एडमिट कर चुके हो कि 500 साल पहले यहाँ कुछ एक कांड हुआ था, कुछ गंदगी मची थी, कुछ अनैतिक हुआ था, जिसके सर्वे के तहत उसके जख्म हरे होंगे। मैं नहीं बोल रहा, इस्लामिया कमेटी का अधिवक्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि ASI सर्वे इसका हो के रहेगा, आज हो, कल हो या परसों हो, और जिस दिन यह सर्वे हो गया उसके बाद उसमें दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। लेकिन सर्वे के आदेश की खलबली में एक मौलाना साहब कबूल कर गए कि ज्ञानवापी मंदिर है, और सबसे बड़ी बात, मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कबूल कर गए कि कोई चोरी को, किसी घटना को, किसी उत्पीड़न को, किसी वैश्याना हरकत को छुपाया जा रहा है। तो पहले सुनिए, मौलाना साहब ने अब सर्वे को नजर करते हुए क्या बचाव अपना मस्जिद पक्ष का पेश किया है, और वो ये बचाव को पेश करने में ही कबूल गए कि ज्ञानवापी मंदिर था। सुनिए, सर्वे की हद तक मैं ये कहता हूँ कि
हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो बहुत से हिंदू हजरात हमारे इस्लाम से मुतासिर होकर गोल के गोल मुसलमान हो जाते थे, पूरे पूरे इलाके मुसलमान हो जाते थे। और जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने अपनी इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो कलाकृति वगैरह का जो जिक्र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज जो मुसलमान हुआ उसने अपनी इबादतगाह को मस्जिद की शक्ल में तब्दील किया। ठीक, कबूलनामा हो गया। कबूलनामा बस इतना हो गया कि मौलाना तौकीर रजा ये बोल गए कि जब यहां पर इस्लाम ने फैलना शुरू किया आक्रांताओं और सूफीज के आने के बाद, तो क्षेत्र के क्षेत्र कन्वर्ट हो गए। तो इनका कथन यह है, अगर इनके कथन को सच मान लो कि इस काशी के क्षेत्र में जो हिंदू भाई थे वो कन्वर्ट हो गए और उन्होंने अपनी इबादत की जगह यानी मंदिर को में कुछ चेंजेस कर उसको मस्जिद बना लिया, यानी इनकी बात से ये स्पष्ट हो गया कि इसका जो फाउंडेशन है या जो बेस स्ट्रक्चर है, कोर स्ट्रक्चर है, वो ये मंदिर है। कुछ लोगों ने कन्वर्ट होने के बाद, कुछ हिंदुओं ने कन्वर्ट होने के बाद इस मंदिर को मस्जिद बनाया था। विदाउट गोइंग इनटू द कंट्रोवर्सी कि इस जगह को औरंगजेब ने तोड़ा या किसने तोड़ा, गजनी ने तोड़ा, गौरी ने तोड़ा, बिना इस कंट्रोवर्सी में जाए ये बात एडमिट कर ली गई है, वो जबरदस्ती तोड़ के बनाया गया या उस जगह को में उसके रूप में बदलाव लाया गया उसके स्वरूप में, या उन्हीं लोग जो हिंदू कन्वर्ट हुए उन्होंने मस्जिद बनाया, ये सब बातें अलग हैं। बेसिक बात मौलाना ने एडमिट कर ली है कि ये जगह मूलतः मंदिर थी, कन्वर्ट होने के बाद हिंदुओं ने इसको थोड़े बहुत चेंजेस कर मस्जिद बना दिया। और जो बेसिक चीजें मंदिर की कुछ उसमें नजर आ रही हैं ये उसी दौर की हैं।